हेलो जी, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, हमने कुछ डॉन्स के ऊपर वीडियोस देखी थी, वो आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो पाकिस्तान में कैसे कैसे डॉन्स होते हैं वो देखा था हमने, पूरे पाकिस्तान के देखा था। आज देखेंगे हम 2022 की एक वीडियो, लाहौर अंडरवर्ल्ड टॉप 10 डॉन्स ऑफ लाहौर, पावरफुल एंड फेमस पर्सनैलिटीज़ इन लाहौर की देखेंगे, सिर्फ लाहौर की देखेंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 2022 लाहौर की सबसे ज्यादा ताकतवर और बाअसर तरीन 10 शख्सियात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाहौर की तारीख के 10 सबसे ताकतवर डांस की तफसीलात के, जिन्हें सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाहौर के 10 उन बदमाशों का एक एक वाकया जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वो लोग हैं कि पुलिस इनकी गुलाम है और इदारों को ये अपना घर समझते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अरशद अमीन चौधरी। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि लाहौर का एक माया नाज बदमाश अरशद अमीन चौधरी था, जो कि बहुत ही मशहूर शख्स था। बहुत सारे लोग इसके साथ प्यार भी करते थे, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे भी थे जो इसके साथ नफरत भी करते थे। अरशद अमीन चौधरी की जिंदगी का एक वाकया है कि ये एक दफा लाहौर की एक सुनसान रोड पर अपने 2 गनमैनों के हमरा गाड़ी में कहीं जा रहा था। कहा जाता है कि रास्ते में इनके दुश्मनों ने इन्हें देख लिया और इनकी गाड़ी के चारों टायरों पर फायर मारकर गाड़ी को रोक लिया। अरशद अमीन चौधरी के साथ जो गनमैन था, उसके साथ इसे इतनी मोहब्बत थी और ये जानता था कि अपने मुहाफिज की इज्जत किस तरह करते हैं, कि अपने इस मुहाफिज को बचाने के लिए जब एक गोली किसी दुश्मन ने चलाई तो ये अपने मुहाफिज के सामने खड़ा हो गया और वो गोली इसने अपनी पीठ पर खाई। बाद में ऑपरेशन के जरिए ये गोली तो निकाल ली गई, लेकिन सबको ताहयात पता चल चुका था कि बदमाश होना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई इंसान वाकई में दर्द दिल रखता हो तो वो अपने मुहाफिजों की भी हिफाजत किस तरह से कर सकता है। नंबर 2, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने शहबाज शरीफ के कहने पर बकौल इसके बेशुमार लोगों को कत्ल किया है और कई लोगों को पुलिस मुकाबले में पार करवाया। आजकल ये पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है और इसने मुख्तलिफ सियासी लोगों पर पर्चे दिए हुए हैं, लेकिन आबिद बॉक्सर की जिंदगी में बेशुमार वाकयात में से एक वाकया ये है कि ये पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसकी जिंदगी का ये एक डार्क वाकया है कि ये एक जहनी मरीज है। कहा जाता है कि जहनी मरीज लोग जब बहुत ज्यादा किसी से प्यार करते हैं तो उसे अजियत पहुँचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही इसने अदाकारा नरगिस के साथ किया। इसने नरगिस को मना किया कि ये आज के बाद दूसरे लोगों के साथ पैसे लेकर पार्टीज नहीं करेगी। जब ये औरत बाज ना आई तो आबिद बॉक्सर ने इसे घर से बाहर निकाल कर तमाम शहरियों के सामने इसे सड़क पर बिठाया और इसके सर के बाल काट डाले। हालांकि ये खूब अच्छी तरह जानता था कि ये काम करने से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आबिद बॉक्सर किसी से भी नहीं डरता था। खैर, आजकल तो ये जिंदगी की सबसे कठिन रातें गुजार रहा है, लेकिन ये शख्स अब इसका आदि हो चुका है। नंबर 3, आतिफ चौधरी। दोस्तों, कहा जाता है कि आतिफ चौधरी एक बहुत ही बदनामे जमाना बदमाश था, लेकिन इसकी एक बात यानी एक वाकया बहुत मशहूर है। वो ये है कि ये अपने टीचर्स की बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि इसे लगता था कि उस्ताद की इज्जत के जरिए तो शायद ये दुनिया में कुछ कमा ना सके, लेकिन आखिरत में इसे जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक दफा का जिक्र है कि गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह से टीचर्स की एक जमात निकलकर थाने के करीब से गुजर रही थी, जहाँ पर पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उन्होंने कई दफा बताया भी कि हम टीचर्स हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे थे। ये बात आतिफ चौधरी को पता चली और जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि टीचर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसने वहाँ खड़े खड़े अपनी पैंट से बेल्ट निकाला और उन 4 पुलिस वालों की खूब धुलाई की जो कि टीचर्स का मजाक उड़ा रहे थे। इस वाकये के बारे में हमें एक बुजुर्ग शहरी ने बताया है। अब इस वाकये में कितनी सच्चाई है ये तो वो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, या फिर आबिद बॉक्सर जो कि आतिफ चौधरी के बारे में बहुत कुछ जानता है। नंबर 4, आबिद चौधरी। दोस्तों, आबिद चौधरी भी लाहौर का एक बदनामे जमाना बदमाश गुजरा है। कहा जाता है कि एक दफा इसके पास एक बूढ़ी अम्मा आई और उसने इससे शिकायत की कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी माँ को घर से बाहर निकालना चाहता है। दोस्तों, जब इसे ये बात पता चली तो इसने उस बेटे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसने फौरन उस औरत को अपने साथ लिया और ये दोनों उसके बेटे के घर चले गए।
इसने उसके बेटे को नीचे बुलाया और कहा कि क्या वो अपनी माँ से सरेआम माफी मांगता है। बेटे ने कहा कि नहीं, कि मेरी माँ ने मेरे साथ ज्यादती की है। तो आबिद चौधरी ने उस लड़के को कहा कि ये तुम्हारे साथ जितनी मर्जी ज्यादती करे, तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद इसने अपने एक गनमैन से कहा कि इस लड़के को पकड़ लो और इसकी खूब धुलाई करो। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े बाजार में उसके फ्लैट से लेकर दाता दरबार तक उस लड़के को मारते पीटते ले जाया गया, जिसके बाद उसने गिड़गिड़ा कर अपनी माँ से माफी मांगी। नंबर 5, टीपू ट्रकों वाला। दोस्तों, टीपू ट्रका वाला अब मर चुका है, लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात हैं जिन्हें सुनकर बंदा हैरान हो जाता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि टीपू ट्रका वाला किसी बंदे से पैसे वसूल करने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा था। इसके साथ इसके गनमैन भी मौजूद थे। जब ये उसके घर के बाहर पहुंचा और वो शख्स बाहर आया, तो टीपू ट्रका वाला ने उसके चेहरे की तरफ देखा और वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, जिसके बाद ये वापस अपने डेरे पर आ गया। इसके गनमैनों ने इसे पूछा कि सरकार, हम तो पैसे वसूल करने के लिए गए थे, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि आप उस शख्स से पैसे लिए बगैर वापस आ गए। टीपू ट्रका वाला ने कहा कि जब मैंने उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, और उसी वक्त मेरे दिल में हैबत तारी हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस शख्स के साथ मैं आंखें मिलाऊं जिसके चेहरे से मुझे खुदा खौफी आती है। नंबर 6, ताहिर प्रिंस। दोस्तों, ताहिर प्रिंस भी लाहौर का एक बहुत मारूफ डकैत गुजरा है। कहा जाता है कि ताहिर प्रिंस एक दफा एक बिल्कुल सुनसान रोड पर जा रहा था और इसके बिल्कुल आगे एक गाड़ी जा रही थी। ताहिर प्रिंस को ये लगा कि ये गाड़ी उसका पीछा कर रही है, तो इसने उसके आगे अपनी गाड़ी लगाई और नीचे उतरकर उस शख्स को बाहर निकाला। वो अकेला शख्स था और दिखने में भी बड़ा नफीस लग रहा था। ताहिर प्रिंस ने उससे पूछा कि वो कौन है और किसने उसे ताहिर प्रिंस के पीछे भेजा है। उस शख्स ने कहा कि सरकार, मैं एक आम शहरी हूं और अपने घर जा रहा हूं, मुझे किसी ने आपके पीछे नहीं भेजा। ताहिर प्रिंस ने उस शख्स की एक ना सुनी और उसे कहा कि तुम्हें जरूर किसी ने मेरे पीछे भेजा है, और उस शख्स को गोलियां मार दी। ताहिर प्रिंस कहता है कि जब मैं घर वापस पहुंचा तो अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि एक सुनसान रास्ते पर चार बच्चों के वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया है। ताहिर प्रिंस कहता है कि मुझे तब लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मेरा काम तमाम हो जाएगा, और फिर यूं ही हुआ। ताहिर प्रिंस को 2002 में पुलिस ने एक इनकाउंटर में कत्ल कर दिया। नंबर 7, शाहिद मियो। दोस्तों, शाहिद मियो भी लाहौर का एक माया नाज बदमाश गुजरा है। इसका एक वाकया बयान दिया जाता है कि ये रोजाना जब सुबह के वक्त जागता तो फिर अपने पास एक लूडो का दाना रखता और उस लूडो के दाने को जमीन पर उछाल देता। उस लूडो के दाने के ऊपर एक से लेकर 6 तक की गिनती के जितने पॉइंट्स आते, ये जाकर उतने कत्ल कर देता था। लेकिन दोस्तों, इसने जितने लोगों को आज तक कत्ल किया, हमारे पास उनमें से सिर्फ 1% लोगों की इन्फॉर्मेशन पहुँची है। बाकी 99% लोग आखिर गए कहाँ, ये तो कोई नहीं जानता। नंबर 8, रियाज गुजर। कहा जाता है कि रियाज गुजर एक ऐसा बदमाश था जिसके ताल्लुक पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स के साथ और पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों के साथ था। इसका एक वाकया मशहूर है कि उस वक्त पाकिस्तान की एक मॉडल जो इन दिनों में काफी मशहूर है, वो अपनी मां के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। जब ये इसके इलाके में भत्ता वसूल करने आया तो रियाज गुजर को ये औरत इतनी पसंद आई कि ये उसको अपने साथ ले गया। उस औरत ने भी इसे पसंद कर लिया और आज रियाज गुजर की वजह से वो औरत बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है। कौन है वो बताओ? बहुत ही खतरनाक तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मोटिवेशनल टाइप के लग रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव वाइब भी थी उनके अंदर कि मैं उसके चेहरे का नूर देखकर चला गया और उसको मारूंगा नहीं, कुछ ऐसी फीलिंग भी थी उनके अंदर। तो वो घर चले गए भाई कि अल्लाह के बंदे को मुझे मारने का दिल नहीं कर रहा था, ऐसी भी फीलिंग आ रही थी। एक बूढ़ी माँ के बच्चा जो उन पर जुल्म कर रहा था उसको सुधारना, तो ये वैसे किस्से भी थे इसके अंदर। लेकिन हाँ, कुछ अजीब किस्से भी थे। लेकिन आप सोचें तो एक इंसान है जो कि डॉन है, तो जो डॉन है वो जुल्म करता तो करता ही है, वो डॉन है तो जुल्म करेगा ही करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, गलत काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक इंसान भी तो है, कभी ना कभी उसके अंदर ये बात आ भी जाती होगी, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस बंदे को सुधारना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं अपने रुतबे अपनी पावर का इस्तेमाल कर इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ, छोटी मोटी चीज़ों को। तो वैसे कुछ ख्याल आता भी होगा जिसमें से कुछ किस्से इन्होंने बताए, ऐसे पता नहीं वो सचे हैं नहीं। एक टीचर की इज्जत करने वाला था, एक माँ के बच्चे को सुधारा, उसने मारता पीटता हुआ ले गया उसके घर से गेट तक, पता नहीं कौन सा गेट बताया था। सो
एक टीचर की इज्जत करने वाला, मतलब मुझे उस पर हंसी आ गई यार। एक तो डॉन हो, जुल्म कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, ऊपर से उसके अंदर एक चीज़ ठीक कि वो टीचर्स की इज्जत करता है, कि उसके ज़रिए वो शायद उस जन्नत पालेगा। तो ऐसे भी डॉन होते हैं, कुछ लोगों को बीच में मार दिया गया, कुछ लोगों ने, और एक ने तो भाई ऐसा करके, गलतियां भी हाँ बहुत होती होंगी, जैसा इसमें एक केस बताया इन्होंने कि चलते चलते उनको लगा कि ये मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि उनको हर टाइम डर रहता होगा अपनी जान का, और ऐसी गलतियां करते होंगे लोग। किसी को भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा मुझे तुझ पर शक है, तू मेरा पीछा कर रहा है या तू मेरा खबरी है, मेरी खबर किसी को दे रहा है, ऐसे करके कुछ हो गया, उसको मार दिया, बाद में पता चला यार अरे गलत कर दिया, नहीं पता चला तो वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में जुल्म करने के बाद भी। लॉलीवुड में लास्ट में जो दिखाया रहे उन्होंने कि उससे भी कॉन्टैक्ट था कि एक लड़की पसंद आ गई, उसको ले गया, फिर वो स्टार बन गई बड़ी। और आज के टाइम में स्टार है कौन है वो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे जानना है वो कौन है भाई जो डॉन के साथ रही है, वो गुज्जर करके जो डॉन था, शायद आपके एरिया में लाहौर में क्या क्या है, या फिर जो आप डिटेल देना चाहते हैं वो बताना। और हाँ, उस एक्ट्रेस का नाम ज़रूर बताना, उसमें इसकी उनकी पिक्चर नहीं देखी मैंने, लेकिन हाँ आप लोगों को तो पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।